जाना तो यही, एक दिन सभी जाएंगे। फिर उन्होंने कहा जी गायत्री से भी हो सकता है, तो मैंने गायत्री मंत्र का जप किया। अक्टूबर 68 से सर्दी वाले नवरात्र शुरू किया और 1 जनवरी 69 को उसकी सिद्धि हो गई। मतलब सिद्धि का मतलब है, मैं नहीं जानता था गायत्री का, अब जानता हूँ कि उस परम सत्ता से प्रार्थना की है, उसे दिव्य प्रकाश को अपने अंदर धारण के सविता देव, वैसे सूरज को भी सविता देव कहते हैं, मगर गायत्री मंत्र में सविता देव उस दिव्य प्रकाश को अपने अंदर धारण करने की प्रार्थना है। 1,25,000 पूरा हो गया, आज नहीं उठना है, नींद खुल गई, ध्यान लग गया, क्या देखता हूँ कि कोई ऑर्गन नहीं दिखा देता, न हार्ट है, न लिवर है, न तिल्ली है, न किडनी है, न ब्लड सर्कुलेशन, कुछ भी नहीं, सारे एक दूध या प्रकाश में परिवर्तित हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। जो बड़ा आश्चर्य, मैंने दिखता तो आँख से है, ये अंदर प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश पे कॉन्सेंट्रेट हुआ तो एक आवाज आई भौंरे की, गुंजन की, काला भौंरा होता काला भौंरा, उस आवाज पर कॉन्सेंट्रेट हुआ तो नाभि से गायत्री मंत्र जपा जा रहा था, मैंने कंठ से जपा, वो नाभि से जपा जा रहा था, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। एक मेरे राजस्थान में दलपत सिंह दिनकर डीआईजी है, एसपी थे जब उसने दीक्षा ली थी, उनको भी ऐसी अनुभूति हुई, ये निर्गुण निराकार की सिद्धि हो गई और फोबिया खत्म हो गया, भय खत्म हो गया 1,25,000 के बाद में। और दूसरी बीमारी लग गई, किसी के साथ खा नहीं सकता, बीड़ी सिगरेट पी नहीं सकता, झूठ बोल नहीं सकता, भय लगता है। कई वहां पुष्करणा समाज के लोग आए मेरे पास, क्या हुआ? मैंने कहा ऐसा हुआ, दुबे जी ने बताया था, वो भी आए, कहने लगे जी आप तो फिनिशिंग पॉइंट पर पहुंच गए, आपको सिद्धि हो गई। कहते हैं ये तो शिव का किला हुआ मंत्र है, कलयुग में कैसे सिद्ध हो गया? लोगों ने कहा जी आपका, आप इसका तांत्रिक प्रयोग करोगे तो लाखों रुपए देंगे आपको लोग। पहले तो मैंने नहीं समझा क्यों देंगे, फिर मेरे में जो परिवर्तन आया उससे मेरे समझ में आ गया मामला तो गड़बड़ हो गया। फिर मैंने कहा नहीं, ये काम नहीं करूंगा, सोना देऊं और लोहा ले, ये सौदा मेरे पसंद नहीं है। फिर स्वामी विवेकानंद बीच में आ गए, उन्होंने कहा जी इस रास्ते पर चलने के लिए गुरु की आवश्यकता बहुत जरूरी है, इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। तो गंगानाथ जी महाराज को गुरु बना लिया। रेलवे में नौकरी करता था, नॉर्दर्न रेलवे में हेड क्लर्क था, 11/4/55 से 30/6/86 तक नौकरी की। फिर तो गुरुदेव के आदेश से 6-7 साल पहले प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिया। 2-2.5 साल तो मैं एक ही कमरे में बैठा रहा, अपने आप को कसौटी पे आनंद आने लग गया, एक अजीब तरह का आनंद आने लग गया। फिर गंगानाथ जी महाराज की कृपा से कृष्ण की सिद्धि हो गई 84 में। सिद्धि क्या मैं आपको बताऊं, रियलिटी क्या है, मैं ध्यान में बैठा था, एक 17-18 साल का लड़का श्याम रंग का दूर खड़ा हुआ बंसी बजा रहा था, फिर वो मेरे पास आया, मेरे कहने लगे आप बजाओ। मैंने कहा मैं बजाना नहीं जानता हूँ, बजा नहीं सकता हूँ, जानता ही नहीं बजाना। तो यूं हाथ में पकड़ा करके गायब हो गया, फंसा गया मेरे को। अब ये दोनों सिद्धियां आज तक नहीं हुई एक साथ, निर्गुण निराकार की हुई है, गायत्री की मुक्ति पाई है, कृष्ण के मंदिर में जाओ तुलसी चरना मत ले मुक्ति पाओ, मुक्ति के लिए एसेंड करना पड़ता था, ऊपर उठना पड़ता था। यहाँ हमारे दर्शन के अनुसार जो ब्रह्मांड में है वो पिंड में, पिंड में वही ब्रह्मांड में, जब सारा ब्रह्मांड अंदर है तो ब्रह्मांड का रचयिता भी अंदर है, उसकी पराशक्ति कुंडलिनी भी अंदर है,
इसे महर्षि अरविंद ने कहा कि अगर ये दोनों सिद्धियां एक ही जन्म में हो जाए, उन्होंने स्पष्ट किया कि मरेगा तो जला दो या गाड़ दो, इस शारीरिक शरीर में जो परिवर्तन आया वो तो यहीं रह जाएगा। तो एक ही जन्म में दोनों सिद्धियां हो जाए एक ही जीवन में, तो फिर मनुष्य का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, और एक का हो गया तो फिर सारी दुनिया का हो जाएगा। तो इस प्रकार मेरे को दोनों सिद्धियां होगी, इनोसेंट वे में होगी, मैं आज जो हूं वैसा बनना नहीं चाहता था, समझे। और दोनों सिद्धियां होने के कारण से मेरी तस्वीर से योग होने लग गया। तो हमारे दर्शन में दस अवतारों की अवधारणा है। दसवां अवतार होकर के जब अंतर ध्यान हो जाएगा तो कलयुग खत्म होकर के सतयुग आ जाएगा। महर्षि अरविंद ने भविष्यवाणी कहे कि कल्कि का पहला सतयुग, भगवान कृष्ण ने भी कहा है इस बारे में अवतारवाद के बारे में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजामहे, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस प्रकार वो कृष्ण के भविष्यवाणी के अनुसार परिवर्तन आ रहा है। कलयुग है, कलयुग का इफेक्ट तो सभी देशों में, जातियों पर, धर्मों में होता है। धर्म लगभग लोप हो गया, सब लोग कहते हैं पीछे देखो पीछे देखो। हम कहते हैं राम ने किया, कृष्ण ने किया, सत्युग में चले जाओ, ईसा ने किया, मूसा ने किया, मोहम्मद ने किया, महावीर ने किया, बुद्ध ने किया। वो तो घटना हो चुकी है, आगे देखने के बाद केवल पातंजलि योग दर्शन बताता है। पातल योग दर्शन में चार चैप्टर है, समाधि पाद, साधन पाद, कैवल्य पाद इत्यादि। तो 33 और 36 सूत्र जो आते हैं उसमें ऋषि ने कहा है कि साधक ध्यान की स्थिति में अनलिमिटेड पास फ्यूचर देख सुन सकता है। विभूति पाद के 33 और 36 दो सूत्र, समझा। तो अब मैं उस पातंजलि योग दर्शन को मूर्त रूप दे रहा हूं मानवता में, समझा। अब इस प्रकार ध्यान की स्थिति में, अच्छा, महर्षि अरविंद ने कहा है कि इस भारत को दो मंत्र उद्धार करेंगे, भारत का उद्धार दो मंत्र करेंगे। मंत्रों की बात कही है, पहला मंत्र वंदे मातरम जो 19 में प्रकट हो गया, और अंग्रेजों के बंगाल से एक